नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज इंसिपिडिस एंड डायबिटीज मेलिटस? डायबिटीज इंसिपिडिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स, जिसको वैसोप्रेसिन कहा जाता है। डायूरेटिक क्या होते हैं? डायूरेटिक जो आपके यूरिन के वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। यूरिन आप कितना लीटर पास आउट करते हैं? 1 to 1.5 liter पर डे यूरिन का पास आउट करते हैं, लेकिन ये जो डायूरेटिक होते हैं वो इसको बढ़ा देते हैं। डायूरेटिक नॉर्मल लाइफ में जो डायूरेटिक हैं, दैट वन इज अ टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, दीज आर द डायूरेटिक की तरह एक्ट करते हैं और आपके यूरिन के वॉल्यूम एंड फ्लो को बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में है एंटी डायूरेटिक आपका हॉर्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स ADH क्या करता है? आपके यूरिन के लेवल को कम करता है, आपके यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है, आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। बार बार आप यूरिनेशन नहीं जाते, आपकी यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करता है। कहाँ जाके ये एक्ट करता है? आपके किडनी के नेफ्रॉन पार्ट के DCT में जाके ये एक्ट करता है। DCT इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसमें जाके एक्ट करता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ा देता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन बढ़ा देता है। तो ये यूरिन के वॉल्यूम को कंसंट्रेट करता है, जिससे कि यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ओके, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसीलिए इसको हाइपोथैलेमिक और पोस्टीरियर डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ऐसे डिसऑर्डर को, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके डिसऑर्डर को पोस्टीरियर डिसऑर्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं डायबिटीज मेलिटस पे। डायबिटीज मेलिटस आपका इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। इंसुलिन आपका पैनक्रियास से रिलीज होता है, इसीलिए इस ऑर्डर को पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। इंसुलिन दो टाइप का होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस एंड इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। नाउ, जब एंटी डायबिटिक की डिफिशेंसी हो जाती है तब क्या होगा? एंटी डायबिटिक क्या कर रहा है? यूरिन के वॉल्यूम को कम कर रहा है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी को कम कर रहा है। दैट मीन्स ये सब बढ़ जाना चाहिए, वही होता है। यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। दैट वन इज अ 1.5 liter से 20 liter पर डे तक यूरिन पास आउट कर देता है पर्सन, जब इसकी डिफिशेंसी हो जाती है। द पास आउट द यूरिनेशन इज 20 liter पर डे इज इंक्रीज द 20 times। ओके, जब इसकी डिफिशेंसी हो जाती है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, द पर्सन बिकम फीलिंग थर्स्टीज, द पर्सन बिकम फीलिंग वीकनेस। ओके, तो क्योंकि लार्जर अमाउंट ऑफ यूरिनेशन में पास आउट हो रहा है। नाउ, बट इसमें अगर आप ब्लड का अपना लेवल चेक करवाएंगे तब यहाँ पे आपको ब्लड ग्लूकोज नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन तो अपना प्रॉपर काम कर रहा है, इंसुलिन है, लेकिन ADH की डिफिशेंसी में आपको ना तो यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट मिलेगा, ना ही आपको ब्लड में ग्लूकोज का हायर अमाउंट मिलेगा। नॉर्मल अमाउंट होगा ब्लड में ग्लूकोज का, हायर अमाउंट नहीं होगा। नाउ, बट इसमें क्या होगा? इसमें इंसुलिन की ही डेफिशिएंसी हो जा रही है। इंसुलिन ही आपके ग्लूकोज को डिसोसिएट करती है। आपके ग्लूकोज को कहाँ कहाँ भेजती है? आपके ग्लूकोज को लिवर में भेज देती है टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो सके। दूसरा, आपके जो ग्लूकोज है उनको सेल में भेज देती है, ताकि उन ग्लूकोज का क्या हो सके, ग्लूकोज बर्न होके, ऑक्सीजन के साथ बर्न होके ATP में कन्वर्ट हो सके, आपके सेल को एनर्जी मिल सके। ओके, तो इसके लिए रिसेप्टर होते हैं ग्लूकोज को लिवर के सेल में जाने के लिए और दूसरे सेल में जाने के लिए। उन रिसेप्टर को कहा जाता है GLUT4 रिसेप्टर। तो GLUT4 रिसेप्टर का यूज करके ही
आपकी इन आपकी जो ग्लूकोज है वो सेल टू सेल पहुंच सकती है इन रिसेप्टर के थ्रू ही। के जब डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब ये ग्लूकोज ना तो सेल में जा पाता है और ना ही आपका लिवर में जा पाता है, क्योंकि इंसुलिन ही इसको लिवर में भेजता है और सेल में भेजता है। तो लिवर और सेल में नहीं जाने की वजह से ये इंसुलिन ब्लड में फ्लो करता रहता है। तो हायर अमाउंट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज हो जाएगा, देन आपको आपकी बॉडी से जो यूरिन पास आउट होता है उसमें बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं होता। ग्लूकोज का 100% अमाउंट आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बट जब डायबिटीज़ की कंडीशन होती है, जब ब्लड में ही ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तब वो यूरिन के थ्रू भी पास आउट होने लगता है। देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस।